कोडरमा जिला प्रखंड डोमचास के अंतर्गत मशनोडी पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ताओं एवं मरीजों को बिजली नहीं होने के कारण से पानी का सुविधा नहीं है और शौचालय का उपयोग नहीं होता है और वहां पर पेशेंट नहीं रहता है। अच्छा, जैसे नया हॉस्पिटल में क्यों नहीं ठहरे, यहाँ पुराना हॉस्पिटल में आ गए? जी, कोई चीज के वहाँ व्यवस्था नहीं है, न पानी के, न कोई बेड के, न कोई जात के, तो हम यहाँ आया। जैसे पेशेंट आते हैं तो जल्दी अगर हो गया प्रसव तो एक आध घंटा के अंदर में छुट्टी कर देते हैं कि यहाँ सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर कौन लाया? सही दीदी लोग लाई। तो क्या अभी आपको छुट्टी मिल रहा है? कहीं नहीं। ये पेशेंट कितना बजे आई थी? 1 बजे आई थी। इसको क्या अभी छुट्टी दे रहे हैं आप? नहीं, 9-10 बजे। हाँ। इसका छुट्टी देने का कारण क्या है? नहीं, यहाँ बेड और कुछ नहीं, तो हम कहाँ लेटाएंगे पेशेंट को? बस रहने का रूम का सही होना चाहिए, सो नहीं है, तो इसलिए छुट्टी दे दिया जाए। ये कौन सा फंड से स्वास्थ्य केंद्र भैया? वो मनरेगा से है। स्वास्थ्य केंद्र आपका देख रहे हैं यहाँ पर, न पानी है, लाइन है नहीं, मतलब क्या कहते हैं, शौचालय मतलब है सही रूप से, अच्छा टूटा हुआ है। क्या ये इसी तरह था? इसी तरह था, सब इसी तरह था। तो बोर्ड बाहर हम ही लोग लिखवाए हैं, भी उसको हम ही लिखवाए हैं। पेशेंट का देख रेख कैसे करते हैं? क्या करें, हम लोग तो जो समस्या का समाधान करते हैं। अब समस्या ऐसा है तो पुरनका में हम लोग डेरा उन लोग रखे हुए हैं, वहीं डिलीवरी होता है। यहाँ पर डिलीवरी वगैरह नहीं होता है? डिलीवरी कहाँ, यहाँ जगह ही नहीं है, पानी की सुविधा ही नहीं है, लाइन की सुविधा ही नहीं है, होगा कहाँ से? तो इसके लिए क्या आपका गांव के लोग साथ दे रहे हैं? कोई नहीं, खाली कहते हैं हाँ हाँ करेंगे, पूछेंगे, कहेंगे, और कुछ करते हैं कोई है ही नहीं, 1 साल तो हो गया। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ, कोडरमा जिला सिविल सर्जन का फोन नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत करावे। मैं हूँ डिम्पी देवी, जिला कोडरमा झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।